सभापति महोदय, आज मैं गृह विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं धन्यवाद देता हूं नेता प्रतिपक्ष को, उन्होंने मुझे अवसर दिया। लगातार मैं बजट देख रहा हूं, 143 अरब रुपया, और लगातार प्रत्येक वर्ष देखा जाए तो इतना बड़ा बजट गृह विभाग में दिया जा रहा है, इसका परिणाम क्या बिहार में हो रहा है? इस पर हमको एक शेर याद आता है जो नेता प्रतिपक्ष जी ने पिछली बार कहा था कि जुर्म करने वाले जेल में रहते कहां हैं, जुर्म करने वाले जेल में रहता कहां है, गरीबों का नीतीश राज में न्याय मिलता कहां है। तो यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि आखिर ये गौतम बुद्ध की धरती है, ये माँ सीता की धरती है, ये ऋषि मुनियों की धरती है, और यहां जिस तरह से लगातार प्रत्येक वर्ष अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, ये काफी चिंता की बात है। ये केवल पुलिस की असफलता नहीं है, बल्कि सरकार की जो सोच होती है, जो सामाजिक न्याय का जो एक विचार होता है, जो तमाम तरह की कल्याणकारी योजनाएं हैं, तमाम में त्रुटि के कारण ही किसी राज्य में अपराध की घटनाएं बढ़ती है। जैसे आप अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, आप तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, आप रोजगार लोगों को नहीं दे पा रहे हैं, जीवन यापन का नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छी अच्छी योजनाएं नहीं चला पा रहे हैं, जिसके कारण लोग तरह तरह की आर्थिक तंगियों में आकर भी अपराध की तरफ आते हैं। तो कई कारण हो सकते हैं इसकी असफलता, न केवल पुलिस बल्कि सरकार की जो सोच जो दृष्टि है उसको भी परिलक्षित करता है। और जहां तक सरकार लगातार बात करती है कि हम विकास का काम कर रहे हैं, खास तौर से गृह विभाग के मामले में सुशासन की बात करते हैं, तो हम यह कुछ पॉइंट पे चर्चा करना चाहते हैं कि आखिर ये गिरफ्तारी कितनी कर पा रहे हैं। अगर हम चाहेंगे कि सरकार जवाब दे, मेरे पास जो आंकड़ा है, प्रत्येक वर्ष 5000 से अधिक ऐसे मामले होते हैं जो गिरफ्तारी वारंट होने के बावजूद एक एक साल तक गिरफ्तारी नहीं होती है। मेरे पास यह भी आंकड़ा है कि कुर्की जब्ती का वारंट जारी होने के बाद 6-6 महीने साल-साल भर तक ये कुर्की जब्ती नहीं कर पाते हैं। मैं जिलावार आंकड़ा दे सकता हूं, कुछ दिनों पहले का रिपोर्ट है कि भागलपुर में 2400 से अधिक कुर्की जब्ती का वारंट होने के बावजूद 6 महीने तक कुर्की जब्ती नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर में 1400 से अधिक कुर्की जब्ती का वारंट होने के बावजूद कुर्की जब्ती नहीं हुआ। न्यायपालिका ने स्पष्ट तौर पे कहा है यह एक भाया दोहन है, इसमें भाया दोहन किया जाता है पुलिस के माध्यम से कुर्की जब्ती नहीं करने के लिए। इस अपराधी आखिर गिरफ्तार नहीं होंगे, कुर्की जब्ती नहीं होगा, ताकि सिलेंडर कैसे होंगे? वो अपराधी लगातार अपराध करते चला जाएगा। उसी तरह आज आप पकड़ क्यों नहीं पाते हैं, जबकि अब मैकेनिज्म डेवलप हो चुका है, अब सैटेलाइट के जरिए आप डिटेक्ट कर सकते हैं, अब मोबाइल के जरिए आप डिटेक्ट कर सकते हैं, आप सीसीटीवी के जरिए, तमाम तरह का साइंटिफिक मैकेनिज्म डेवलप हो चुका है। अब किसी अपराधी को चंद घंटे में गिरफ्तार किया जा सकता है, और यहां लाखों केस ऐसे हैं जो लंबित हैं, जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है।